जीएसटी में एक्सटेंशन दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर 53 डेटेड 2 नवंबर 2023 अगर आप चेक करते हैं तो एक नया एक्सटेंशन दिया गया है टिल 31 जनवरी 2024 वो है अपील फाइलर्स के लिए। आप अपील फाइल करना चाहते थे लेकिन फाइल नहीं कर पाए विद इन द टाइम लिमिट, आप 31 जनवरी 2024 तक अपील फाइल कर सकते हैं। अब ये किसको एप्लीकेबल है, कौन अपील फाइल कर सकता है जो पहले फाइल नहीं कर पाया था विद इन द टाइम लिमिट? जिन लोगों को अंडर सेक्शन 73 और 74 ऑर्डर्स इश्यू हुए थे, मतलब ऐसे लोग जिनको डिमांड ऑर्डर इश्यू हुए थे और उनके अगेन रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, ऐसे लोगों को अगर अपील फाइल करनी थी और वो विद इन टाइम लिमिट अपील फाइल नहीं कर पाए हैं तो अब गवर्नमेंट ने आपको एक्सटेंशन दे दिया है 31 जनवरी 2024 से पहले फाइल कर दीजिए। लेकिन ये कैसे ऑर्डर्स को एप्लीकेबल है? ऐसे ऑर्डर्स जिनको 31 मार्च 2023 से पहले इशू किए गए थे, मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक जो भी ऑर्डर पास हुए हैं अंडर सेक्शन 73-74 उसके अगेंस्ट अपील फाइल करने का जो टाइम लिमिट है वही है एज पर सेक्शन 107, दैट इज 3 और 6 मंथ्स, करेक्ट। लेकिन 31 मार्च 2023 तक कोई भी ऑर्डर आपको अंडर सेक्शन 73 और 74 इश्यू हुआ है और आपको लगता है कि इस ऑर्डर में जो भी डिटेल्स है, जिस बेस पर, जिस ग्राउंड्स पे ये ऑर्डर इश्यू किया गया है वो गलत है और इसके अगेंस्ट मेरे पास कुछ प्रूफ है जो सबमिट करके मैं अपने फेवर में इस ऑर्डर को ले सकता हूँ, तो आप 31 जनवरी 2024 तक अपील फाइल कर दीजिए। डेट बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, जिन्होंने ये अपील फाइलिंग की डेट मिस कर दी है उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वारिया आपके लिए जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ गेन करते हैं आप, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। लेकिन ये अपील फाइल करने की भी कुछ कंडीशंस दी है जो हमें फुलफिल करनी है, बहुत ही सिंपल कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन, आप ऑर्डर में जो अमाउंट डिमांड किया गया है उसका जितना पोर्शन एक्सेप्ट करते हैं वो आपको फुल्ली पे करना है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब। साथ में आप जितना अमाउंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये लायबिलिटी मेरी है और मुझे पे करना है, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल करने जा रहे हैं, तो आपको उसका 12.5% अमाउंट पे करना है। अब तक जो 10% था लेकिन इनके लिए उन्होंने 12.5% अमाउंट रखा है, मतलब जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 12.5% विथ इंटरेस्ट पेनल्टी आपको पे करना है। अब सेकंड कंडीशन ये है कि ये जो 12.5% का पोर्शन आप पे करते हैं उसमें से आपको 2.5% कैश लेजर के थ्रू ही पे करना है। भले ही आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा है आईटीसी का, लेकिन फिर भी 2.5% का पोर्शन आपको कैश लेजर से ही पे करना है, बाकी 10% आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू पे कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन ये है कि जब तक ये डिस्पोज ऑफ नहीं होगी आपकी अपील तब तक आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। और फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर आपको डिमांड ऑर्डर नहीं है, मतलब ऑर्डर में आपसे कुछ डिमांड नहीं किया गया है टैक्स का अमाउंट, तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, 31 मार्च 2023 से पहले अगर आपको 73-74 का ऑर्डर इश्यू हुआ है और आप इसके अगेंस्ट अपील फाइल करना चाहते हैं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 31 जनवरी 2024 से पहले इसे फाइल कर दीजिए। लोगों तक शेयर कीजिए जिनको ये ऑर्डर इश्यू हुआ था और वो फाइल नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब जीएसटी नया नया आया था तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स इश्यू हुए थे बिना किसी वैलिड रीजन के, तो आपके पास उसके अगेंस्ट अपील फाइल करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसे मिस मत कीजिएगा और लोगों से शेयर जरूर कीजिएगा।